है बीट, ये अनियन, कृषिव इज हेल्पिंग, और यहाँ तैयारी हो रही है धनिया लगाने की। 50 डेज में हार्वेस्ट हो जाएगा ये, और इस बार तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बारिश हो रही है बट मुझे आज कहीं जाना है तो वी आर ऑन टाइम, मतलब आई एम ऑन टाइम। आप सोच रहे होंगे ये दोनों कहाँ से आ गए। आज मेरी ट्रेनिंग का सेकंड डे है। 22 मिनट कोई छोटा रास्ता नहीं है, 22 के 25 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। इस एरिया में फर्स्ट टाइम आई हूँ, आके पता चलता है कि क्लेटन कितना बड़ा है। मैं अभी हूँ फ्रेजर हाईवे। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि गूगल ने मुझे तो बिल्कुल सही रास्ता बताया था, यहाँ पे इसको स्काई ट्रेन बोलते हैं, तो इसलिए मैं घबरा रही थी थोड़ा सा। हेलो, बहुत टेस्टी हो रहे राजमा, मैंने टेस्ट करके देखे थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गीत्स पैराडाइज। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम उगा रहे हैं अपनी सब्जियों के प्लांट्स। ये है हरा, मतलब साबुत धनिया, इससे हरा धनिया लगेगा। ये है बीट, ये अनियन, ये भी अनियन है, ये है, ये भी बीट है, बीट आई थिंक, हाँ से भी बीट है। इसमें अलग अलग भी है एक्चुअली, ये बीन्स है, एक मिनट, ये दिस इज ऑल्सो बीन्स एंड दिस इज ऑल्सो बीन्स, कैरेट है, ये सारे कैरेट्स हैं। तो अभी हम, कृषिव इज हेल्पिंग, वेरी गुड कृष्ण। ये सीड्स है कैरेट के, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जैसे कैरेट है तो इसका लेंथ इज हाफ लॉन्ग करके नाम है, और दिस इज डिफरेंट कैरेट, बोलेरो पेलेटेड, पता नहीं क्या नाम है, मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा। तो ये है, और इस पर देखिए, इसमें ना हार्वेस्ट के टाइम भी लिखा रहता है कि डे टू हार्वेस्ट 68 डेज जैसे इसमें लगते हैं हार्वेस्ट होने में इसको। और ये हमारे क्या है, ये कौन से, दिस इज अनियन, अनियन हो गया। अब यहाँ पर कॉर्नर में अनियन पर यू यहाँ पर बीटरूट लिखा है, एंड दिस इज बीटरूट। ये देखिए बीटरूट के बीज कैसे होते हैं। ये ओके, हम दो दो पैकेट लाए, पैकेट्स लाए सबके, जिससे कि कम ना पड़े। पापा मुझे कुछ नहीं करना, और यहाँ तैयारी हो रही है धनिया लगाने की, तो इसको लगा के धनिया के पत्ते आ जाएंगे। ये लग गया धनिया पत्ता पापा। और ये बीन्स है जो कि राजमा ही मान लीजिए आप। यहाँ पर ये दूसरी तरीके के बीन्स, आई मीन बीन्स यहाँ पर डालो डाल भी दो अब। ये ब्लैक कलर के, ये ब्राउन कलर के, देखते हैं कैसा, कैसे बीन्स निकलेंगे इनमें। शो यू, इसमें लिखा है हार्वेस्ट के डेज, 50 डेज में हार्वेस्ट हो जाएगा ये, और ये वाले बीन्स 55 डेज में। सो आई होप कि विंटर आने से पहले पहले ये हार्वेस्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, प्लांटेशन करते हुए थोड़ी सी जगह बच गई, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हरी मिर्च लगाई जाए। तो ये मैं इंडिया से लेके आई थी, ये मिर्च मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही रख ली। तो अब इसके सीड से हम लोग हरी मिर्च का पौधा लगाएंगे, एंड आई होप कि सही से टाइम पे लग जाए। तुम ये पूरे में यहाँ भी लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि टाइम पे लग जाए, मतलब 50 to 60 डेज है इनका हार्वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर इतनी जल्दी, मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं आती है, तो आई होप कि विद इन 2 मंथ्स हमें इनको, मतलब हम इनको एंजॉय कर सके। चिलीज और क्या कहते हैं, धनिया तो हमने पहले भी लगाया हुआ है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मैं बता नहीं सकती आपको, मतलब मेरा, हमारा सपना पूरा होने के तरीके से। सो आई कांट वेट। और ये है हमारा छोटा सा बगीचा, ये वेजिटेबल्स लगाई हैं, एंड बाहर की साइड यहाँ पर फ्लावर्स के पौधे, इस साइड फ्लावर्स लगे अभी आए नहीं है, आई मीन प्लांट्स ही नहीं आए अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है वेडनेसडे और सुबह सुबह मैं उठी हूँ अभी, इट्स अराउंड 5:45। तो बारिश हो रही है
और बारिश होती तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ ठंड हो जाती है, तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है तो, लेकिन बाहर निकल के ठंडा लग रहा है। बट आई नो किड्स विल बी सो हैप्पी बिकॉज कल भी वो वेट कर रहे थे बारिश का, कल लिखा हुआ था, हमने वेदर चेक किया था तो कल भी लिखा था बारिश के लिए, लेकिन कल हुई नहीं, हमारी साइड नहीं हुई, बट आज सुबह से हो गई, सो दे विल बी हैप्पी। बट मुझे आज कहीं जाना है तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो, वैसे ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होती, हल्की हल्की ऐसी फुहार चलते थे, मुझे भी ऐसी बारिश अच्छी लगती, मुझे बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं अच्छी लगती, तो हल्की हल्की फुहार चलेंगी और मैं लूँगी अपना अम्ब्रेला और मैं निकलूँगी। बस से जाने का प्लान है, फर्स्ट टाइम आई विल यूज़ द बस, सो देखते हैं क्या होता है। तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था क्योंकि आज मैं जा रही थी कुछ स्पेशल काम करने। आप में से बहुत से लोग तो जानते ही हैं कि मैं रेडियो फिजी मिर्ची में एज अ रेडियो जॉकी काम करती हूँ, तो ये दिन था मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं और मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग द मौसम एज वेल, तो फटाफट से निकल गए हैं, वी आर ऑन टाइम, मतलब आई एम ऑन टाइम, तो अभी पहुंचूंगी बस स्टैंड पे, वहाँ से आई टेक बस फर्स्ट टाइम, तो देख चलिए आप तो मेरे साथ है ही, तो बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पर और मेरे पीछे देखिए आप सोच रहे होंगे ये दोनों कहाँ से आ गए यहाँ पर, एक्चुअली बारिश होने लगी थी तो एंड स्वेज ने मुझे बोला कि फर्स्ट डे है और थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी, तो ही सजेस्टेड मी कि मतलब ही ड्रॉप मी, आधा घंटा लगता है बाय कार, तो स्वेज को आना पड़ा यहाँ पर मुझे ड्रॉप करने। मैंने तो वैसे मना किया था बट रेन हो रही थी और आइडिया नहीं आ रहा था, तो चलिए गेट ओपन होने वाला है। हेलो एवरीवन, आज मेरी ट्रेनिंग का सेकेंड डे है और 3 दिन की ट्रेनिंग है, आज टुडे इज़ थर्सडे, तो कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी जाते वक्त तो मैं कार से गई थी, आते वक्त मैं बस से आई थी, तो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस और आज भी मैं दोबारा बस से जा रही हूँ। 22 मिनट्स की वॉक है, अगर मुझे सिर्फ एक बस लेनी है, कल मैं 2 बस चेंज करके आई थी, तो अगर मुझे एक बस लेनी है तो 22 मिनट्स की वॉक है, और 2 बस करूँगी तो 10 मिनट की वॉक है, तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक हो जाएगी तो 1 बस वाला चलते, तो लेट्स गो। देखिए दोस्तों घरों के बीच से चलते चलते अब मैं मेन रोड पे आ गई हूँ, ये मेन रोड है, यहाँ से मुझे राइट लेना है फिर मेरा बस स्टैंड आ जाएगा। दोस्तों देखो मैं बेल्ट पहन के आई हूँ क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा चलना होगा, 22 मिनट कोई छोटा रास्ता नहीं है, 22 के 25 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे रियलाइज़ हुआ कल मुझे चलना पड़ा थोड़ा बहुत 10-15 मिनट, तो तब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं आज पहन के आई हूँ, थोड़ा सा और चलना है, मज़ा आ रहा है लेकिन चलने में ना, मौसम भी सुहावना हो रहा है, धूप नहीं हो रही है, तो आई एम एंजॉयिंग माय वॉक। इस एरिया में फर्स्ट टाइम आई हूँ, थोड़ा मार्केट प्लेस सा लग रहा है यहाँ पर, मुझे वॉक करके आने में ही मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करने में ही मज़ा आता है क्योंकि कार से आप कितना देख लोगे, ये चीज़ आप यू नो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कार के साथ। ये देखिए यहाँ पर कॉन्डो भी बने हैं, बहुत ही कम इस एरिया में कॉन्डोज बने हुए हैं, मोस्टली टाउन हाउसेज और इंडिपेंडेंट हाउसेज ही यहाँ पर बने हुए हैं, तो बहुत ही रेयर मिलते हैं और ये भी पुरानी कंस्ट्रक्शन लग रहे हैं। ये देखिए क्लेटन मार्केट लिखा है, यहाँ आके पता चलता है कि क्लेटन कितना बड़ा है, मैक्सिकन किचन, आगे पहले चाइनीज रेस्टोरेंट भी था। तो मेन रोड के बाद अभी हाईवे आ गया है, फ्रेजर हाईवे, यहाँ से मुझे अपनी बस लेनी है। तो दोस्तों ये आ गया है मेरा बस स्टैंड एंड दिस इज फ्रेजर हाईवे, और ये देखिए यहाँ से मुझे 502 503 दोनों मिल जाएंगी जो कि सरी सेंट्रल जाती हैं दोनों। यहाँ एक तो शोर बहुत है, मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी हूँ फ्रेजर हाईवे 64th एवेन्यू में बैठी हूँ। दोस्तों देखिए बादल कितने सुंदर लग रहा है, पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो ये जो पहाड़ है हम इस साइड को रहते हैं, लैंगली साइड थोड़े पहाड़ है और सरी सिटी सेंटर थोड़ा प्लेन टाइप का है अभी, मतलब जहाँ तक मुझे पता है उधर जाना है हमें।
दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं सरी सेंटर। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं सरी सेंटर में हूँ। देखिए कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और अब मैं ढूंढ रही हूँ अपना रास्ता जहाँ मुझे जाना है ऑफिस का। दोस्तों फाइनली आई रीच्ड सन फार्म्स एंड होपफुली मैं सही जगह पहुंच गई हूँ। ये रहा, और कल यहीं पर कार पार्क की थी स्वेज ने, और दिस इज द सन फार्म, और इसी के पास मुझे जाना था। सो दिस इज द डोर, खुला है। तो अब आइए जान में जान, मैं फाइनली पहुंच गई हूँ एंड आई एम हाफ एन आवर लेट। वैसे तो 11:30 बजे मुझे पहुंचना था जिस हिसाब से मैं घर से निकली थी, बट इट्स लाइक 11:15, तो मैं लेट नहीं हुई हूँ, आई एम ऑन टाइम, बस 15 मिनट लेट हुई हूँ, वो भी रास्ता भटक गई थी। तो ऐसे में फील होता है कि काश नेट होता, नेट की मतलब वैल्यू, इंटरनेट की वैल्यू पता चलती है। बट मुझे लगता था कि यहाँ पर जो बस सेंटर्स होते हैं, मेट्रो के सेंटर्स होते हैं, उनमें फ्री इंटरनेट होगा, बट शो भी कर रहा था, बट आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। बट फटाफट से पहुँचती हूँ अभी, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा आई नो, बिकॉज लाइव स्टार्ट हो गया होगा। एंड यहाँ पर मुझे, मेरी एक फ्रेंड बनी है, नहीं मतलब फ्रेंड की मतलब आज अच्छी तरह बात हुई, कल भी मैंने नाज को देखा था, शी डू वॉलंटियर, जो मैंने क्लीनिंग ड्राइव की थी ना वही वो करी थी, बट मैंने उसको कल भी देखा आज भी, तो आई थॉट कि शी इज वर्किंग, बट शी टोल्ड मी शी इज वॉलंटियरिंग, हर नेम इज नाज। और उसने मुझे अपना नेट यूज करके उसने वहां से डाला गूगल मैप में, और मुझे फिर बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, तो मैं आ गई। एंड शी हेल्प मी बाय गिविंग सम वेबसाइट लिंक्स कि मैं वहां पर जॉब ढूंढ सकती हूँ उसके थ्रू। तो थैंक यू सो मच नाज, होप टू सी यू अगेन। दोस्तों निकल पड़ी हूँ मैं घर के लिए, और ये आ गया किंग जॉर्ज स्टेशन। यहाँ से मुझे राइट साइड में जहाँ मैं जा रही हूँ सीधे वहीं से बस मिलेगी। एंड ये वही हॉलैंड पार्क आ गया जो उस दिन दिखाया था जब हम कार से आए थे फर्स्ट डे। तो इसी के सामने स्टेशन है ये रहा। तो ये पूरा हॉलैंड पार्क है, और सैटरडे को बच्चे भी आएंगे साथ में। एंड दिस इज द बे नंबर 5। एक्चुअली हुआ क्या कि गूगल ने मुझे तो बिल्कुल सही रास्ता बताया था कल, लेकिन मैं बे नंबर 5 भी गई, लेकिन वो सरी सेंटर, मुझे नहीं पता था कि सरी सेंटर एंड ये वाला किंग जॉर्ज डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेशन से मेट्रो और बस के लिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। और मैं बे नंबर 5 में गई लेकिन सरी सेंटर वाले में, तो इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई और टाइम भी वेस्ट हो गया। बट अब मैं सीधे यहाँ आई हूँ, और आई एम वेटिंग फॉर द बस। 2 मिनट में बस आने वाली है मेरी, तो आई एम ऑन टाइम। ये देखिए ये मेट्रो जा रही है, यहाँ पे इसको स्काई ट्रेन बोलते हैं, तो ये यहीं पर ही आपको सिटीज में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पर बस का, तो ये आ गई है बस 502 नंबर, इसे नहीं जाना। तो दोस्तों बस से उतर गई, अब मुझे दूसरी बस पकड़नी है 370। उतर गई हूँ बस से, बहुत ही पास है यार, मतलब मैं तो इससे 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस बता रहे हैं, लेकिन 5 से भी कम का ही है। फ्रेंड्स सी दिस इज़ आई मार्ट, जिस शॉप में हम लोग सबसे पहले गए थे, मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन पहले दिन आके हम लोगों ने इसी ब्रेड और दूध खरीदा था। और ये सामने है कैजी पार्क, उसके ऑपोजिट मुझे जाना है, कितना पास है देखा। वैसे मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, so I am crossing the road. तो ये आ गए हम कैटजी पार्क, जिससे कैटजी पार्क खाली पड़ा है अभी, गर्मी है, दिन का टाइम है, और आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ बस में ट्रेवल करके मुझे आज ज़्यादा मज़ा आया है, कल तो मैं पता नहीं कहाँ ही उतर गई थी, और मुझे
बस घर पहुंच जाऊं ये हो रहा था, मतलब तो मैं शूट भी नहीं कर पाई। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना घबरा क्यों गई, ये हुआ वो हुआ, घबराई वैसे नहीं लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा बहुत घबराना भी चाहिए। एक्चुअली अगर आपके पास फ़ोन ना हो, मतलब कनेक्शन नहीं है फ़ोन का, यहाँ का नंबर नहीं है और इंटरनेट ना हो तो आप भी घबराओगे, मतलब घबराना भी चाहिए, आप कैसे कहीं भी जाओगे। मैं बस नेट में गूगल मैप में ढूंढ ढांड के बस फ़ोटो खींच के ले गई थी सब चीज़ की, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटरनेट तो चाहिए। तो आ गया हमारा घर, फटाफट से पहुंचती हूँ फिर खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं घबरा रही थी थोड़ा सा, और आज मैंने फ़ोटोज़ कुछ ज़्यादा खींच ली थी तो इसलिए आज घबराहट कम हुई। हेलो, तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए, चावल बनने वाले हैं, और ये मैं राजमा उबाल के गई थी और स्वेज ने फ्राई मतलब छौंक दिए, बहुत टेस्टी हो रहे राजमा, मैंने टेस्ट करके देखे थे, और बस अभी पानी पिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से करिए व्लॉग को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, मतलब कमेंट तो बहुत कम आ रहे हैं, तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको व्लॉग अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मुझे बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। बट मेरी कोशिश रहती है, यू नो, आपको पता है कि अभी हम शिफ्ट हुए हैं और यू नो अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं हम आके, स्पेशली मैं, मेरे लिए तो सब कुछ नया ही है, और सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन वो इतना ईजी नहीं होता है नई जगह में, स्पेशली जहाँ अभी मैं ड्राइव भी नहीं कर सकती हूँ और दूसरी कार अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, और अभी जॉब, अभी स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर अ रेगुलर जॉब वैसे, तो ये सब है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड साथ ही प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, और अभी नहीं बहुत पहले से किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो तो इन्जॉय कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। वीडियो देखना कंटिन्यू रखिए लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ करनी है, मतलब दोनों कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you.